एकांत ही औषधि है, व्रत है, संगी साथी, मीत और आयतन है, और एकांत औषधि भी है, विशेषकर साधक के लिए, साधु महात्माओं के लिए एकांत बड़ी औषधि है, उनका मित्र है। एकांत में बहुत कुछ घटित होता है। अगर आपको एकांत का लाभ लेना आ गया तो आप एकांत के लाभार्थी तभी बन सकते हैं जब एकांत में करें क्या ये पता हो, अन्यथा तो फिर वो लोनलीनेस है और उसका नाम बीमारी है। अगर आपको एकांत का लाभ लेना नहीं आता फिर वो लोनलीनेस है और उसका नाम है रोग। वनवासी बालकों ने बड़ा उपहास किया। ध्रुव का सुंदर सा बाला, गौर वर्ण, उन्नत ललाट, देह कांति अद्भुत, उसमें लक्षण, उसके वाक शक्ति अद्भुत, उसकी प्रज्ञा मेधा, एक दिव्य बालक, देव बालक जैसा लगता था। अरे राजा का बालक था, जंगल में रह रहा था। बेचारे जो वनवासी थे उन बालकों को ये पता लग गया था कि ये हमारे जैसा तो नहीं है, न रंग रूप मिलता है, न प्रकृति स्वभाव हमसे मिलती है, न हमारे से इसकी भाषा मिलती है, न इसके चितवन भंगिमाएं और इसकी चेष्टाएं हमसे मिलती हैं, इसके सकल देह कांति भंगिमा, इसकी भाषा मुद्रा, इसका भास आभास, इसकी उपस्थिति, इसकी अभिव्यक्ति सब भिन्न है हमसे। ये मेरा भी एक अनुभव है, जगे हुए महापुरुष सोए हुए आदमियों के बीच में कैसे रहते हैं, उनकी भाषा ही अलग होती है, उनकी दृष्टि, चिंतन, प्रकृति, गुण, वो पूरा ही भिन्न होता है। धन्य है वो हमसे निभाते कैसे हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, ऊंचिया नाल में नहीं। वो धन्य है, मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा, वो प्रार्थना करते हुए कहती हैं माताएं कि धन्य है ये कि हम जैसे से उसने निभाया, धन्य है हमारा गुरु कि हमसे निभाता कैसे है, वो तो बहुत ऊंचा है, उसका चिंतन कहाँ है, वो किस चरित्र का प्राणी, वो कितना अकाम, निष्काम, पूर्ण काम, आप्त काम, वो किस तरह की एक उड़ान हमारे गुरु की अथवा उन महापुरुषों की। भाई धन्य है वो, हमारे साथ निभाते कैसे हैं। मैं नहीं मेरा सतगुरु ऊंचा, बहुत जो ऊंचे लोग होते हैं उनमें विनम्रता भी रहती है, सरलता भी रहती है। और हाँ एक उनकी विशेषता होती है, जो बहुत ऊंचे चले गए उन्हें पता नहीं होता कि मैं ऊंचा चला गया हूं, और ऊंचाइयों का ज्ञान है तो आप ऊंचे नहीं हैं, सरलता का ज्ञान है तो आप सरल नहीं हैं, आपको ये पवित्रता का बोध रहता है तो अभी आप पवित्र नहीं हुए हैं। उन्हें ज्ञान कहाँ रहता है, फूल को कहाँ पता है कि वो सुंदर है, उसमें सुगंध है, उसमें कोई एक सम्मोहन है, आकर्षण है, फूल को पता ही नहीं है इस बात का। एक कोई व्यक्ति हमसे कह रहे थे कि महाराज मैं बड़ा सरल हूं, अब मैं बहुत सरल हो गया, तो हमने कहा ये आपको कैसे पता लग गया कि आप सरल हो गए, आपको सरलता का पता लग गया। तो जिस दिन सरलता का पता ना लगे उस दिन सरल होता है व्यक्ति, जिस दिन पता ना लगे